तो दोस्तों ये देखो मुझे क्या मिला, एक बहुत ही पुराना कैमरा। और जहाँ से मैं इसे लेके आया हूँ मुझे बताया गया है कि कम से कम नहीं तो 15 से 20 साल पुराना ये कैमरा है। तो आपको तो पता ही होगा कि पहले रील वाले कैमरास चलते थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसे पूरी तरीके से ओपन करके देखने वाले हैं और थोड़ा बहुत चला के भी देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं इतने सालों बाद। ये रहा इसका फ्लैश और इसमें सेल वगैरह डाल दिए हैं पहले से ही। ये देखो दो सेल इसमें दो सेल उसमें, तो कैसे चलता है। और ये रहा इसका व्यू फाइंडर, ऊपर से भी व्यू दिखता है सामने वाला। और ओहो ये चला था। इसका लेंस देखो एकदम खिलौने जैसा कैमरा लग रहा है ना। और ये रहा इसका अपर्चर, ये छोटा और बड़ा भी हो रहा है। और आजकल के कैमरास में तो अपर्चर बदलने का तरीका ही एकदम अलग है। तो आप लोग कमेंट में बताना क्या आपके घर में पहले कभी रील वाला कैमरा था और क्या अभी है, और क्या आपने उसे यूज़ किया है या नहीं। तो कमेंट में बताना जरूर अपना एक्सपीरियंस अपने रील वाले कैमरे के साथ। तो यहाँ पे इसका शटर साफ साफ दिख रहा है इस होल के पास जो कि ओपन होता है बंद होता है। चलो इसके जो फ्लैश को अलग कर देते हैं ताकि और भी अच्छी तरीके से ओपन कर पाएँ, खोल के देख पाएँ इसके अंदर का हाल चाल। कितनी अजीब तरीके से सब सिस्टम था पहले, अब कितना सब डिजिटल हो गया ये सब। तो ये देखो फ्लैश देखना आप लोग, ये देखो आगे से देखो। और यहाँ पे एक टाइमर भी लगा है मैनुअल वाला, ये देखो ये देखो, कमाल की चीज थी ये भी। खोल भी जा। और यहाँ पे दो ऑप्शन है, रिवर्स का और एक फोटो क्लिक करने का। रिवर्स पे जो इसकी रील होती थी वापस लपेट जाती थी अपने उस बॉक्स में। और ये कैमरे का ऑप्शन है, ऐसा करता हूँ मैं एक रील ढूंढ के लाता हूँ कहीं से। तो फाइनली मुझे एक रील मिल गई है बड़ी मुश्किल से, तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता ही है। इसे लगाते कैसे हैं, मैंने तो कभी यूज़ ही नहीं किया है। अच्छा तो शायद ऐसे लगाते हैं, लग जा। अब शायद इसे आगे फंसाना होगा कुछ इस तरीके से। ये कैसे फंसाते हैं मुझे तो पता ही नहीं। तो देख लो पहले के कैमरास कुछ ऐसे हुआ करते थे। फंस भी जाओ, फंस गया। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ किस तरीके से रील अंदर जाती है। ये देखो ये देखो, काफी मस्त है ना। इसको रिवर्स पे लगा देता हूं, फिर फंस गया। ये गया रिवर्स। अरे रुक, अरे रुक, अरे अरे ओ भगवान, ये तो अजीब ही नुकसान हो गया, पूरी रील उसी के अंदर ही चली गई। अब इसे निकालेंगे कैसे। लो हो गया कल्याण, रील इसके अंदर ही चली गई। तो अब चलिए कैमरे को ओपन करना शुरू करते हैं। कहाँ से ओपन करें इसे, ये रहे इसके स्क्रूज। तो फटाक से इसके स्क्रूज ओपन करते हैं ऊपर वाले सिरे के। और ये हमारा कैमरा लगभग ओपन होने ही वाला है। ये देखो
तो ये है इसका ऊपर का हिस्सा। और यहाँ पे हमें कुछ बटन्स दिख रहे हैं, एक ही बटन है वैसे। ये क्या लगा हुआ है? ओहो, मिरर। तो यहाँ पे एक मिरर का यूज़ किया गया है इसके ऊपर वाले व्यू फाइंडर में, जो कि 45 डिग्री पे रखा हुआ है लेंस के सामने। और यहाँ पे 36 नंबर हैं, जो कि कितनी रील ख़त्म हुई है वो बताते हैं शायद। ये इसकी बटन, ये देखो यहाँ पे एक मोटर कहीं पे लगी है और काफ़ी सारे गियर्स हैं जो कि घूम घूम के काम करते हैं। और ये देखो इसका व्यू फाइंडर के लेंस, कुछ ऐसा है इसका व्यू फाइंडर। ये देखो इसका शटर कितनी तेजी से बंद हो रहा है। तो अभी मैंने इसे पूरी तरीके से सामने से अभी ओपन कर दिया, लेकिन यहाँ पे इसका ये हिस्सा टूट गया है। तो भाई इस बात के लिए एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि एक नुकसान हो गया जिसका कैमरा है, वो तो हल्का सा मुझे गुस्सा आएगा भाई। और इसका सामने का कवर मैंने हटा दिया है। तो ये देखो सामने से कैमरा कैसा दिखता है उस ज़माने का, कुछ समझ ही नहीं आया, सब कुछ ब्लैक ब्लैक है। तो इसका टाइमर देखो आप लोग, जो कि टूटा है, सब कुछ मैनुअल है, ऐसे घड़ी जैसा है, जो वॉच नहीं होती थी पहले मैनुअल वाली, वैसा ही कुछ लग रहा है। खूब सारे गियर्स वगैरह लगे हैं यहाँ पे, चालू हो गया। और अभी देखना आप लोग ये शटर को, देखना कितनी तेजी से हुआ, कुछ दिखाई नहीं ना, फिर नहीं दिखा ना, अब दिखा? अगर आपको दिखा तो कमेंट में बताना कि आपने शटर को मूव होते हुए देखा। नहीं दिखा ना, ऐसा करते हैं स्लो मोशन में देखते हैं। तो स्लो मोशन में तो दिख ही गया होगा, फिर से ध्यान से देखो अंदर का मैकेनिज्म। यहाँ पे जो शटर है ना, स्प्रिंग की वजह से काम कर रहा है, स्प्रिंग मैकेनिज्म पे यहाँ पे शटर को लगाया गया है शायद। ये देखो मैं हाथ से हटा के दिखा रहा हूं आपको, यही फटाक से ओपन होता है और बंद हो जाता है, और जो उसकी रील में इमेज छप जाती है। ये रहा इसका स्प्रिंग मैकेनिज्म। तो अभी मैं आपको इसका अपर्चर दिखाता हूं। ये देखो छोटा हो रहा है और बड़ा हो रहा है घूम घूम के। ये देखो काफ़ी मस्त है ना। तो यहाँ पे मैंने इसे नीचे से भी ओपन करने की कोशिश करी थी, ताकि मैं आपको इसकी मोटर दिखा पाऊँ जो कि यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन ये ओपन ही नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने आपको हल्का सा दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो हम लोग खिलौने वगैरह खेलते थे बिल्कुल वैसे ही मोटर लगी हुई है। आपको देख के अंदाज़ा लग गया होगा कि वाह, यहाँ पे वही टॉयज वाली मोटर ही यूज़ करी गई है, लगभग वैसे ही है। ये देखो पीछे से हल्के फुल्के दिख रही है, और इसी मोटर से इसका रियर वाला हिस्सा भी शायद गियर्स के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये था हमारा 15 से 20 साल पुराना कैमरा। तो दोस्तों मैं आपको इस कैमरे के फ्लैश को बिना कैमरे में लगाए चला के दिखाता हूँ, बस दोनों पॉइंट को आपस में टच करा के। और ये जो जला था ना, ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ लग रहा है, एक बार और ट्राई करते हैं। और आप लोग देखना ये जो जला था, तो काफ़ी मज़ेदार था ना ये।
तो दोस्तों, अगर आपको व्हाट इज इनसाइड सीरीज का ये पार्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना, और कोई अमेजिंग आइडिया हो तो कमेंट में बता देना।